नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना ने किन शर्तों पर सरकार बनाई है, इसका खुलासा बहुत बाद में होगा, लेकिन अब कुछ कुछ खुलासे होने लगे और एक बड़ा खुलासा किया है अशोक चव्हाण ने, जो कांग्रेस की तरफ से पहले मुख्यमंत्री रह चुके और इस समय लोक निर्माण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। अशोक चव्हाण ने कहा कि हमने शिवसेना के साथ जो सरकार बनाई है उसके लिए पहले लिखित में करार किया गया था, लिखित में शर्तों को मनवाया गया था उद्धव ठाकरे से। उन्होंने खुलासा किया कि सोनिया गांधी ने पहले ही उद्धव ठाकरे से लिखित में ये ले लिया था कि वो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार उनके दायरे में और उनकी शर्तों के आधार पर काम करेंगे, अन्यथा कांग्रेस उनकी सरकार को समर्थन नहीं देगी। और इस सब के लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, जिसके बाद सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बयान का कितना बड़ा मतलब है आप इसी से समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन वास्तव में जो सरकार बन रही थी वो सोनिया की सरकार बन रही थी और शिवसेना की जगह सोनिया सेना सत्ता में आई है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते रहे हैं और उन्होंने इस बार भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं कि जो जो करार हुए हैं वो उनका खुलासा होना चाहिए, पता नहीं और कितने गुप्त समझौते हुए हैं कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के बीच में, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शिवसेना की वो लालच, कुर्सी का लालच जिम्मेदार है, संजय राउत जैसे लोग जिम्मेदार हैं जिनको सत्ता में आने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उन्होंने 30 साल पुराने अपने गठबंधन के साथी को भी धोखा दिया, और सोनिया जो कि स्टेपनो माइनो की बेटी है, जो कि हिटलर और मुसोलिनी की सेना में रह चुका है, उसकी बेटी के साथ भी समझौता करने से वो शिवसेना पीछे नहीं हटी, जिसको बनाने वाले बाला साहब ठाकरे कभी कहा करते थे कि जो सोनिया के सामने झुकते हैं वो लोग गधे होते हैं। सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने सब कुछ त्याग दिया सत्ता के लिए, फिर अपने बेटे को मंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने और अब उन सारी बातों का खुलासा हो रहा है। वो दूर नहीं कि जब एनसीपी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ शर्मनाक खुलासा होगा कि किस तरीके से उन्होंने शिवसेना को अपने आगे नाक रगड़वाई थी। सीधे तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी थी तभी ये लग गया था कि शिवसेना के नेतृत्व में अगर कांग्रेस और एनसीपी सरकार बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिवसेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी, और एक कीमत तो ये है कि अब दोबारा कभी शिवसेना मराठी वोटरों के सामने सर उठाकर नहीं खड़ी हो पाएगी, उसको सर झुकाकर अपने जो किए कर्म है, कुकर्म है, उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसका संदेश भी मिलने लगा है जब उद्धव ठाकरे के ही चचेरे भाई मनसे के नेता राज ठाकरे ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि वो भगवा झंडा अपनाएंगे और भगवा नीति पर चलेंगे, जिसका खामियाजा अल्टीमेटली शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। जिस तरीके से बंटी बबली की जोड़ी आज पहुंची NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और ये किसके मानवाधिकारों की बात कर रहे थे इसको सुनकर आपको भी क्रोध आने लगेगा। ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों, देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के मानवाधिकारों की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाती है। आज फिर से इन्होंने वही ड्रामा किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने उन दंगाइयों के मानवाधिकारों के लिए लड़ने की बात कही और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने उन दंगाइयों के ऊपर अत्याचार किया है जो आगजनी करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्रयोग कर रहे थे। शायद यही कहना चाहती थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के दोनों लीडरान, चाहे राहुल गांधी हो या उसकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा, जो रावत वाड्रा नाम के बड़े जमीन चोर की पत्नी है और सोनिया की बेटी है, राजीव की बेटी है, वो दोनों ने वहाँ पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दंगाइयों के ऊपर बल प्रयोग किया, उनके ऊपर अत्याचार किए और इसकी जाँच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूर कार्रवाई है। ऐसा कहकर ये दोनों भाई बहन और उनके साथ लगे हुए चंपू और पप्पू टाइप के नेता तमाम ये कहना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो लोग दंगा कर रहे थे, जो लोग गोली चला रहे थे, जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार का को उनका सत्कार करना चाहिए था, उनको मालाएं पहनानी चाहिए थी और उनको प्रशस्ति पत्र बांटे जाने चाहिए थे, क्योंकि वो दंगा करने के, आगजनी करने के, तोड़फोड़ करने के और देश के अंदर अराजकता फैलाने के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर रहे थे जो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अब तक दे रखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है और इस तरीके से ये अपनी बेइज्जती कराकर आज मानवाधिकार आयोग से लौटाए, एक और बेइज्जती कराई आज फिर से कांग्रेस पार्टी की पी चिदम्बरम ने।
पलानी अप्पन चिदम्बरम जो 100 दिन से ज़्यादा तिहाड़ जेल में रहकर आया है और भ्रष्टाचार के लिए एक जाना माना नाम है, अपनी उलझल बातों के लिए हमेशा जाना जाता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है और कश्मीर पर जो कहा करता था कि 370 को अगर हाथ लगाया गया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को। अब उसी चिदम्बरम ने एक बयान दिया है और उसने ये कहा है कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है वो गांधी की आत्मा के अनुरूप हो रहा है, गांधीवाद के सिद्धांतों पर चलकर हो रहा है और ये जो सरकार उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है, असलियत में तो यही सरकार चलाने वाले लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है जो धर्म के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। ऐसा कहकर पी चिदम्बरम यानी पलानी अप्पन चिदम्बरम उन लोगों के साथ एक बार फिर से खड़ा हो गया है जो शाहीन बाग में असम को देश से अलग करने की बात करते हैं, संविधान और सुप्रीम कोर्ट तक को वो एक तरफा पक्षपाती बताते हैं और वहाँ देश के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन चिदम्बरम ये कह रहा है कि वो लोग चूंकि तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं इसलिए वो महान हैं और यही बात लगभग आम आदमी पार्टी भी कहती रही है कि वो शाहीन बाग के उन लोगों के साथ है और चिदम्बरम ने तो इसको स्वच्छ आंदोलन भी करार दे दिया है। यानी कि चिदम्बरम ने उन लोगों को जो कि महिलाओं की आड़ में ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं पिछले 40-45 दिन से, उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया है स्वच्छता का और उसने कहा है कि ये एक स्वच्छ आंदोलन है और सरकार इससे डरी हुई है। और इसी के सुर में सुर मिलाते हुए सलमान खुर्शीद नाम के उत्तर प्रदेश के बैसाखी चोर नेता ने भी कहा है कि शाहीन बाग आज देश भर के आंदोलनों का मुख्य केंद्र बन गया है, ये एक स्वच्छ आंदोलन है, भारत के संविधान और तिरंगे के प्रति सम्मान करते हुए लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना अन्याय है। ये कहना है सलमान खुर्शीद का, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कभी बैसाखी चोर कहा था लेकिन बाद में उसी से केजरीवाल ने दोस्ती की और आज देखिए कि केजरीवाल और सलमान खुर्शीद एक ही भाषा बोल रहे हैं और वो सीधे तौर पर बचाव कर रहे हैं उन सभी बातों का जो शाहीन बाग में संविधान की आड़ में हो रही है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया आज वहाँ गए थे और जिस तरीके से उन लोगों ने व्यवहार किया, उससे पहले दीपक चौरसिया जब अपनी टीम लेकर गए थे तो उनके दो कैमरों को तोड़ा गया, कैमरामैन को पीटा गया और उनको वहां से खदेड़ दिया गया था। लेकिन चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लगता, ये गांधीवाद लगता है। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर दंगे कराने वाली पीएफआई से कांग्रेस के नेता पैसा लेते हैं और कांग्रेस के जो एक शाही परिवार है, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का जो परिवार है, उसके दोनों युवराज और उसकी बहन मानवाधिकार आयोग जाते हैं और वो मांग करते हैं कि जिन पुलिस वालों ने संविधान का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस को पसंद नहीं है कि वो लोग दंगाइयों के ऊपर, आग लगाने वालों के ऊपर, तोड़फोड़ करने वालों के ऊपर, पुलिस पर गोली चलाने वालों के ऊपर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नज़र में इस देश का जो एक मजहबी वोट बैंक है वो इस देश के लिए एक आकाशीय पिंड है, आकाशीय वस्तु है और वो कितना भी पाप कर ले, कितने भी अत्याचार कर ले, लेकिन उस पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए और उस वो अगर देश को तोड़ने की बात करता है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, तब भी इसको उसका विशेषाधिकार मानकर माफ़ कर देना चाहिए। आज का जो पूरा का पूरा कांग्रेस का कार्यविधि रही उससे तो यही मतलब निकलता है। बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया रोती है और अगर भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोगों की मौत हो जाती है तो लेकिन उसी सोनिया का पति जो अब दिवंगत हो चुका है राजीव गांधी उस हत्यारे एंडरसन को देश से भगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कांग्रेस जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है उसके बाद देश में दंगे कराती है और दंगे के बाद में जब जांच होती है तो उस जांच को दबा दिया जाता है और उन्हीं दंगों का एक आरोपी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है मध्य प्रदेश का। लेकिन कांग्रेस फिर भी सवालों से परे होती है क्योंकि वो कांग्रेस है और कांग्रेस इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुई है, ऐसी सोच नेहरू गांधी परिवार हमेशा से पालता रहा है और नेहरू गांधी परिवार का ये भी मानना है कि जो लोग कांग्रेस द्वारा संरक्षित हैं, खासकर तुष्टिकरण वाला समुदाय, उनको भी अपराध करने की, बलात्कार करने की, देश में आगजनी करने की और लफ्जिहाद करने की, दंगे फसाद करने की पूरी छूट होनी चाहिए, उनको आतंकवाद फैलाने की भी छूट होनी चाहिए और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो कांग्रेस इसको मानवाधिकार का उल्लंघन मानेगी और इसके लिए पहले वो मानवाधिकार आयोग जाएगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी 2 बजे दरवाजा खटखटाएगी, जिसके पक्के सबूत अब तक सामने आ चुके हैं। शाहीन बाग वालों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और पीएफआई जिसका नाम अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आ रहा है उससे भी कांग्रेस के तमाम तार
जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का ही पैदा किया हुआ केजरीवाल आज शाहीन बाग के नाम पर राजनीति कर रहा है, शाहीन बाग में तमाम षड्यंत्र करा रहा है। तो सीधे तौर पर आज देश की जो हालत है उसके लिए भी अगर कांग्रेस जिम्मेदार है और देश के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, तोड़फोड़ की टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके साथ भी कांग्रेस हमेशा खड़ी थी और आगे भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यही आज की कांग्रेस की पूरी जो कार्यप्रणाली है उसको देखकर साबित हो जाता है। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।